हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ऑब्जेक्टिव वन का, चैप्टर नंबर 17। द वेवलेंथ्स ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स ऑफ अननोन शेप आर नियरली। देखो यार, बोला है कि कोई लाइट सोर्स है जिसका शेप अपने को नहीं पता। हो सकता है वो पॉइंट सोर्स हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल सोर्स हो, लाइन सोर्स हो, प्लेन सोर्स हो, कैसा भी सोर्स हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स और एक लाइन सोर्स बना रखा हूँ। अब सोचो मैं बहुत दूर चले गया इसके, मैं मान लेता हूँ यहाँ आ गया इतने रीजन में। तो इतने रीजन में देखो, ये जो लाइन दिख रही है, जो लाइट रेज है, ये वाली लाइट रेज, वो लगभग कैसी दिख रही है? पैरेलल दिख रही है। तो आप वेव फ्रंट बनाओगे तो कैसा बनाओगे? ऐसे ही ना बनाओगे, सीधा सीधा, ठीक है ना? तो सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। इस केस में बात करते हैं सिलेंड्रिकल सोर्स में, सोच लो आप यहाँ पर हो मान लेते हैं, ठीक है, और इतने रीजन की बात करो, ये लाइट रेज जा रही है, ये भी लगभग पैरेलल दिखाई दे रही है ना, 3D में है भाई सब कुछ, है ना। अब मैं अपने डायग्राम में 2D में बनाया हूँ। अब ये लाइन अगर मैं बनाऊँगा इस तरीके से, सीधी बनेगी, है ना। और अगर मैं प्लेन बनाना चाहूँ, जो वेव फ्रंट होता है, तो उसको मैं थोड़ा सा ऐसे 3D डायग्राम भी बना सकता हूँ, है ना, इस टाइप का वेव फ्रंट बनेगा। तो दोनों ही केस में जो वेव फ्रंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है? प्लेन आ रहा है, ठीक है ना। वेव फ्रंट क्या होता है, मतलब वेव फ्रंट का शेप कैसा होता है? जो इनकमिंग रेडिएशन से उसके परपेंडिकुलर बनाना होता है ना। तो मैं परपेंडिकुलर बनाया हूँ दोनों केस में, और क्या दिखाई दिया? प्लेन, है ना। तो बहुत दूर अगर कोई सोर्स है, तो वॉट एवर बी द शेप ऑफ द लाइट सोर्स, द वेव फ्रंट विल बी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्लेन, ठीक है ना। सन एक एक स्फेरिकल शेप का सोर्स है लाइट का, बहुत बड़ा स्फीयर है, पर अपनी अर्थ इतनी दूर है कि वहाँ से जो लाइट आती है, तो उसमें जब आप वेव फ्रंट बनाओगे तो वो लगभग कैसा होता है? प्लेन ही होता है, ठीक है ना। तो ये बात है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए, है ना।